हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ये। इसको बनाने के लिए हम पीसी पेपर यूज करेंगे आधी इंची का। ये बहुत पावरफुल मोटर है, इधर हमने डी जॉकेट लगाया। तो स्टार्ट करता आज के वीडियो को। तो वो बनाने के लिए हमें चाहिए पीवीसी पाइप। तो हमें ये इसमें मोटर लगाएंगे। इसका मैं डायमीटर बता देता हूँ, ये 15 के लगभग है। आप चाहे चाची कितना भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मोटर पे आते हैं। हम इस वाली मोटर को यूज़ करेंगे। ये मैं बाज़ार से खरीद के लाया हूँ, ये मुझे 40 रुपये की पड़ी है। इसके बाद पंखा भी आया था, पंखे को हम हटाते हैं साइड में। तो इसको अब इसके ऊपर का लगा देते हैं कवर। अभी मेरे पास बोल्ट नहीं है तो मैं इसको फेंक के चिपकाऊँगा, क्योंकि बोल्ट लगाने से और ज़्यादा टाइट हो जाता है। पर मेरे पास बोल्ट नहीं है तो इनसे काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने इसको इतनी टाइट लगा दी साड़ भी नहीं उखाड़ पाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से फिट हो रहा है। आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हैं, इसके अंदर घुसने वाला भी बना सकते हैं। देखिए, और इसका पीछे का कैप भी है। और इसमें हम डीसी सॉकेट लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। और डीसी सॉकेट में छेद करने के लिए देखिए, अब मैं इसको छोटा कर लिया है। छेद करने के लिए हम यूज़ करेंगे ड्रिल मशीन का। ये ड्रिल मशीन हमने बनाई थी पर इसकी वीडियो में नहीं डाल पाया। देखिए, मैंने छेद करके अच्छे से फिक्स कर लिया है इसको। तो अब चीता भी नहीं उखड़ ले रहा। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया। फिर भी मैं बेबी को लगा देता हूँ जिससे ये निकल ना पाए। बहुत मजबूत से चिपक चुका है ये। देखिए, अब पाइप में फिक्स करते हैं इसे। कितनी अच्छी तरीके से फिक्स हो रहा है। अब मोटर पर सोल्डिंग से तार लगाते हैं। देखो कैसे मखमल की तरह तार लग रहे हैं, मक्खन की तरह। देखिए, तार लग चुके हैं। अब हम इसको फिट करके देखते हैं। फिक्स लग रहा है, देखो कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल फिट लग रहा है। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से फिक्स कर लिया। मैं इसमें फेविकोल लगा देता हूँ जिससे चिपक जाइए। ये मोटर में भी लगा देता हूँ। और डीसी सॉकेट पे आते हैं, इसमें भी हम तार लगा देते हैं। चलिए लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको लगा लिया है बहुत अच्छे तरीके से। इसको फिट करते हैं जिससे इसको हम चिपका सकें। तो देख सकते हैं, मैंने इसे फिट कर लिया है और टाइट से लगा देता हूँ जिससे ये निकल ना पाए। देखिए, मैंने इसको बहुत टाइट तरीके से लगा दिया है। अब इसको फेविक्विक से भी चिपका देते हैं जिससे दोबारा ना निकले। और देखिए, मैंने इसे फेविक्विक से चिपका दिया है, अब ये नहीं निकलेगा। अरे, हमारा पीवीसी कटर रेडी है। चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब टेस्टिंग करने के लिए हम आ चुके हैं। चलो इसे हम चालू करते हैं। देखिए, ये चालू हो चुकी है। इससे मैं पहले मैं आपको छेद करके दिखाता हूँ। देखिए कितनी आसानी से छेद हो चुका है। अब मैं यहाँ से कट करके दिखाता हूँ। इसी चीज़ को साइड में ले जाके दिखाता हूँ तो अपने आप कटता रहेगा। देखिए, मैं साइड में ले जा रहा हूँ, अपने आप कटती जा रहा है पीवीसी पाइप। देखो, कट गया पीवीसी पाइप। मैं और काट के दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है ये। बहुत अच्छे से छेद कर देता है और बहुत अच्छे से काट भी देता है। देखिए कितनी आसानी से छेद कर रहा है ये। बार बार हाल छेद हो जा रहा है। देखिए कैसे कटता जा रहा है तुरंत की तुरंत। देखिए कितनी आसानी से कट गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।